खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करने आए सुपरस्टार गोविंदा। जी हां, आपको बता दें कि बिग बॉस के मंच पर गोविंदा गए थे अपनी बेटी नर्मदा के एल्बम को प्रमोट करने, और वहीं पर खेसारी लाल यादव की जमकर तारीफ की गोविंदा ने। और तो और उन्होंने कहा कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव खेल रहे हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं, और अगर इसी तरह से उन्होंने हर तरह का टास्क किया तो उसे देखकर ये लगता है कि वो जरूर बिग बॉस के विनर होंगे। खेसारी लाल यादव के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि खेसारी लाल यादव अपने फैंस का तो दिल जीत ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी सादगी से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से घर वाले इतनी लड़ाई कर रहे हैं, घर में सबका किसी न किसी से झगड़ा चल ही रहा है, लेकिन खेसारी एक ऐसे इंसान हैं जो किसी से कुछ मतलब नहीं रख रहे हैं। न झगड़ा करना है, अपना काम करना है और अपने काम पे फोकस करना है। वैसे ये बता दें आपको कि अब तक भोजपुरिया जितने कंटेस्टेंट बिग बॉस में आए हैं, कोई भी इस तरह से गेम नहीं खेला जिस तरह से खेसारी लाल यादव खेल रहे हैं। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि बिग बॉस के घर में कोई भी खेसारी लाल यादव के साथ अपनी दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहता है, क्योंकि हर एक सदस्य अपना एक गुट बनाकर बैठा है, अपना एक ग्रुप में है और वो अपने ग्रुप से बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने गेम को कैरी ऑन किए हुए हैं, और हमें भी यकीन है कि खेसारी जिस फोकस से खेल रहे हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि आगे खेसारी की रेस बड़ी ही लंबी होने वाली है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।